आप कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई? सर मुझे तो आज आना ही नहीं था, लेकिन सही कह रही हैं आप, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सर आप मेरी बात तो सुने। What, please? God. For God's sake, बंद कीजिए रोना धोना, मुझे नहीं पसंद ये सब। गुड मॉर्निंग सर। पास आ तू जरा जाने जा सायावे, सुन ले सदा की। मामूली कैसे हो सकती है जिससे हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक मोहब्बत करता है? उस हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज की मामूली सी वर्कर को मैं इस घर की मालकिन बनाना चाहता हूं। मुझे तो पहले ही शक था, इसीलिए मैं किरत को कंपनी से निकलवाना चाहती। लोग अपनी हैसियत और मर्तबा देखे बगैर ही डोरे डालने लग जाते हैं। मुझे तो कभी उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई, बहुत ही आम सी लड़की है। आपको याद है जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, पूरे फंक्शन में दोनों बहनें अलग ही नजर आ रही थी। हाँ याद है मुझे। मुझे शादी से ये उम्मीद नहीं थी। हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज का ओनर और वो मुलाजिम की बेटी, माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब होगा। सोसाइटी में हमारा क्या मुकाम रह जाएगा, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मेरे फ्रेंड्स कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा। मॉम अभी आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने कुछ बोलने से बेहतर है अभी खामोश रहें आप। वो तारिक अंकल की बेटी अभी MRCS करके आई है, मैंने सोचा था वो मेरी भाभी बनेगी, और ये किरत पॉसिबल। कुछ ना चाहूं बस तुम्हें चाहूं मैं, तुझको देखूं देखे जाऊं मैं। जब रात की तन्हाई डसे मेरी नस नस में जहर उतरता है,
सच में कहूं तो ये माने तेरे ही लिए दिल धड़कता है, ये है इज़्ज़त मोहब्बत या है बस अफवाहें, तू ना जाने तेरी ये अदाएं मुझे कितना भाए, इश्क है तू ही बस अब मेरा सायावे, सुन ले सदा सायावे, दिल की दुआ। अबा चाय। बेटा तुमने हसान से बात की? नहीं। जुबिया, तुम्हारे हर कदम का हसान को पता होना चाहिए, ये उसका हक है। उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि तुम इस वक्त यहाँ हो। बाबा, वो खुद भी यही चाहते हैं जो मैंने किया है। आप बेफिक्र रहें, मैं कोई दुख नहीं होगा। बाबा, मैं नहीं चाहती कि मेरी गलतियों की सजा हसाम और अंबर को मिले। देखो बेटे, जब फैसले का वक्त गुजर जाए तो इंसान को अपने गलत फैसलों को भी निभाना पड़ता है। सूबी, जब हसाम आएगा उसे पता चलेगा, कितना बुरा लगेगा उसे। बच्चों, मैं बाबा को यही बता रही हूँ कि उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कभी वहां अपनी जगह बना ही नहीं पाई। मुझे नहीं लगता मैं कभी भी अपनी जगह बना पाऊंगी वहां। हसाम और अंबर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और मैं अंबर की जगह कभी नहीं लेता। सूबी, किसी के एहसान उतारने का ये कौन सा बदला है? उसकी कुर्बानी का ये सिला नहीं है। जो मेरी ख्वाहिश है कि हसाम और अंबर खुश रहें। हसाम और अंबर ने जो भी कुर्बानियां दी उसके इनाम में उन दोनों को एक दूसरे का साथ मिलना चाहिए। अंबर के आते ही घर का माहौल तब्दील हो गया। सुफिया की वजह से हर वक्त सोगवारी ही छाई रहती थी। अंबर के चेहरे पे हसाम की मोहब्बत रौनक बनकर नजर आती है। सुफिया तो शायद कभी हसाम से मोहब्बत कर ही ना पाए। हसाम क्या, वो तो शायद इस घर से भी मोहब्बत नहीं कर सकी। अच्छा किया सुफिया ने ये फैसला करके।
सर ये किरत बेबी का रेजिग्नेशन लेटर, वो कल रिजाइन दे गई थी। ठीक है मिस्टर एजाज, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सर। मिस किरत, आपको कंपनी के रूल्स तो पता है ना, अगर आप कंपनी छोड़ना चाहती हैं तो कम से कम एक महीना पहले आपको नोटिस देना चाहिए। बहरहाल मैं आपके रेजिग्नेशन को एज नोटिस एक्सेप्ट करता हूँ। जी सर, मैं कंपनी के रूल्स जानती हूँ, लेकिन असल रूल ये है कि अगर आप एक महीना पहले नोटिस दिए बगैर जॉब छोड़ दें तो आपको उस महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। सर मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, आप इसे मेरा रेजिग्नेशन ही समझिए। ओके फाइन। ऑफिस से फोन था। जी बाबा, कह रहे थे कि मुझे जॉब छोड़ने से एक महीना पहले नोटिस देना चाहिए था, पर बाबा काम करने वालों के लिए जॉब की कमी नहीं, लेकिन शावेश साहब की बात के बाद मुझे यही फैसला दुरुस्त लगा। मैं भी कोशिश करूंगा तुम्हारा हाथ बटाने की। नहीं बाबा, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपका बेटा। तुम्हें याद नहीं, तुमने ही तो मशवरा दिया था मुझे काम करने का, मसरूफ रहने का। जी, लेकिन वो मेरी गलती थी, मुझे आपसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, तुमने गलत नहीं कहा था बेटा, होना तो ऐसा ही चाहिए था। बस बाबा, मैंने कह दिया ना आप काम नहीं करेंगे, मैं हूं ना आपका बेटा। हाँ बेटा तो हो तुम मेरे, जीती रहो बेटा, खुश रहो सारी जिंदगी अपने बाबा के साथ। बाबा के साथ कौन रहता है सारी जिंदगी? मैं, किरत हाशिम। मैं शायद ये बात तुमसे घर पर ना कर पाता, इसलिए यहाँ बुलाया। ऐसी कौन सी बात है चाची? आप तो जानते हैं कि आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं खुल के। बेटा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने किरत के बारे में ये फैसला क्या सोच सकती है? मोहब्बत से बढ़ के भी कोई वजह होती है चाचू। लेकिन बेटा ये वजह भाभी की नजर में कोई अहमियत नहीं रखती, तुम जानते हो। चाचू जिंदगी मेरी है, लिहाजा ये फैसला भी मेरा ही होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी अगर आप किरत के घर मेरा प्रपोजल दे दें। ये इतना आसान नहीं है। इसमें मुश्किल क्या है चाचा? शाहेज मैं जानता हूं कि बजहर ये काम मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल किरत एक अच्छी लड़की है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, पढ़ी लिखी है, लोगों का दर्द रखती है अपने दिल में। इससे ज्यादा और किसी लड़की में क्या चाहिए? लेकिन बेटा आप तुम तो अपनी मम्मा को एक बार फिर सोच लो। एक दफा उसकी शादी अगर मुझसे हो जाएगी तो कौन चैलेंज करेगा उसका स्टेटस? कोई भी नहीं। अल्लाह करे भाभी कोई मस्ता ना खा। बाबा बाबा बाहर देखिएगा कौन आया है।
अस्सलाम वालेकुम हाशिम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप शारिफ साहब? बिल्कुल ठीक। वो फारूक साहब कैसे हैं? वो भी बिल्कुल फिट। आइए आइए आप चलें। थैंक यू। आइए शाह साहब, आइए सर, बैठे सर। जी बहुत शुक्रिया। प्लीज बाबा, वो मैं आपसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बाबा, आप लोग बैठिए, मैं चाय का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। लेकिन मैं तो सारे काम खत्म करके आई थी। जी जी, और मैंने वहाद साहब से ये भी कह दिया था कि वो इस माह की सैलरी रख सकते हैं, लेकिन लॉ के मुताबिक मैंने बिना इन्फॉर्म किए जॉब छोड़ी थी। एक्सक्यूज मी बाबा, मैं चाय दी। जी जी एक्सक्यूज मी। जी तुम सादगी में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। क्या हम दोनों कुछ देर के लिए अकेले में बात नहीं कर सकते? हाशिम साहब किसी काम से अंदर गए हैं, इस वक्त मैं अकेला हूं। कर आ सकता हूं ना, तो क्या मैं तुम्हारी खामोशी को हां समझूं? आज मैंने दवा अभी तक नहीं ली, अगर किरत को पता चल जाता ना तो मैं वैसे क्या लगता है हाशिम साहब, कौन जीतेगा? क्या क्रिकेट या इलेक्शन? दोनों का जवाब एक ही है भाई, जो ज्यादा बहादुर होगा बाजी तो वही लेकर जाएगा। थैंक यू बाबा, बिना शक्कर वाले। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ये मेरी तौहीन है कि मैं उस घर में रिश्ता लेकर जाऊं। इतने बड़े बड़े घरों के रिश्ते आए हैं मेरे बेटे के लिए, बल्कि मिसेस शौकत तो खुद अपनी जान जैसी बेटी के लिए मुझसे मेरे बेटे का रिश्ता मांग रही थी। मैंने तो उन्हें भी इनकार कर दिया, मुझे उससे भी बड़े घर की कोई लड़की चाहिए अपनी बहू बनाने के लिए। और वो जो तुम कह रही थी किसी डॉक्टर का, भाई तो किसी और का नाम सुनना भी नहीं चाहते। मुझे लगता है ना उस किरत ने भाई पर जादू कर दिया। हाँ, ये मिडिल क्लास लड़कियां जादू टूना वगैरह करा देती हैं, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं,
लोग अच्छे घर के लड़कों को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मगर मैं अपने बेटे को ऐसे किसी के हवाले नहीं करूंगी। नो, नेवर। फिर भी मामा आप देख लीजिए। बोलो। हेलो मायरा। मायरा मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मगर मुझे तुमसे नहीं मिलना। पर क्यों मायरा? हम अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहती हूँ हमारे बीच में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाए। ये अब कभी ख़त्म नहीं हो सकती। खैर मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह महाज को एक बहुत अच्छा इंसान समझती थी मायरा, लेकिन जब से मुझे उसके फेसबुक स्टेटस के बारे में पता चला है मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ। लेकिन उसने तो कभी फेसबुक अकाउंट बनाया ही नहीं। तुम्हें यही बताया उसने, लेकिन वो मुझसे अपनी हर बात शेयर करता है। आखिर वो बेचारा अपनी भड़ास कहाँ निकालेगा? इम्पॉसिबल। अगर इसमें ज़रा सी भी सच्चाई हुई ना तो मैं महाज को सबके सामने बेनकाब करूँगी। नहीं नहीं मायरा, ये बातें सबके सामने लाने वाली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। कैसा रहा तुम्हारा टूर? अम्मी टूर तो ठीक था, लेकिन आप रोती रही हैं ना। शुक्र है हसाम तुम आ गए हो। मैं तो बहुत बोर हो गई थी, और पप्पो भी है ना। पप्पो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जुबिया का अम्मी वो तो घर छोड़कर चली गई है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर तुमने कुछ कहा होगा। वो अपनी मर्जी से गई है, इसने कुछ नहीं कहा। लेकिन अंबर यहां क्या कर रही है? मैं घर में अकेली थी इसलिए ये मेरा ख्याल रखने आ गई। मैं इतना सब कुछ हो गया, आपको मुझे बताना तो चाहिए था। हसाम तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हसाम उसे जाकर हमारा रास्ता साफ कर दिया है। अब वक्त आ गया है, तुम उसे तलाक दे दो। यकीन करो वो भी यही चाहती है। वो बहुत अच्छी है, हमारी हमदर्द। पप्पो मैं ठीक कह रही हूं ना? बेटा उसको मैं लेकर आई थी, और ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम इस रिश्ते से कितने नाखुश थे। लाई तो मैं उसे अपनी मर्जी से थी, लेकिन अब इस घर से वो अपनी मर्जी से गई है इसलिए। अम्मी प्लीज। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए।
हसाम, मुझसे ऐसे अजनबी बनकर तो मत मिलो। देखो, मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हसाम, मेरी बात सुनो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जाहिर हो रहा है तुम्हारी हरकतों से। क्या गलत किया है मैंने? यहाँ आके फुप्पो की तन्हाई पार्टी है, तुम्हारे घर के काम के लिए ना आती तो तुम्हें यहाँ कुछ भी तरतीब से ना मिलता। थैंक्स हसाम। तुम परेशान मत हो, हसाम आ जाए तो मैं खुद उससे बात करूंगा। और ये अमर ने जो किया ना, मैं खुद उस पर शर्मिंदा हूं। और उसने, हसाम ने तो आज वापस आना था ना टूर पे से। पापा, उन्हें तो कल शाम को ही वापस आ जाना था। अगर वो कल वापस आ गया था तो उसने तुम्हारे बारे में पूछा क्यों नहीं? क्योंकि वहां अंबर है बाबा, और मैंने आपको बताया ना, वहां अंबर की जरूरत है, मेरी नहीं। अगर मेरी जरूरत होती तो वो कल शाम को ही मुझे वापस लेने आ जाती। अंबर को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और मैं खामोश इसलिए हूं कि हसाम आए तो मैं कोई फैसला करूं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दरवाजा लगा दो। आओ बेटा आओ, बैठ। तुम कब आए हसाम? मुझे बस 2 घंटे हुए थे। लेकिन मेरा ख्याल है तुम कल आने वाले थे। जी मैं, मुझे वो एक काम पड़ गया था। अम्मी को भी काफी बार मैंने फोन किया, किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। सुबिया, चाय लेके आओ ना। नहीं मामू जान, चाय की जरूरत नहीं है, मैं बस जूबिया को ले जाने आया। चलो जूबिया। मैं फैसला करके आई हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। सुबिया, मुझे तुमसे लड़की में कुछ बात करनी। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी, जो भी बात होगी बाबा के सामने होगी। ठीक है, फिर मुझे कोई बात नहीं करनी। खुदा हाफिज। तुमने अच्छा नहीं किया, जब तुम्हें लेने आया था वो तो तुम साथ चली जाती तो अच्छा था। शावेज, आपको अपने घर वालों से बात नहीं करनी चाहिए थी। कभी ना कभी तो ये बात होनी थी, तुम आखिर इतना डरते क्यों? बात डर की नहीं है, बात ये है कि जो काम होना ही नहीं उसके बारे में बात करने का फायदा? आपने ऐसे घर वालों को परेशान कर दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? शावेज, आप इतने अच्छे हैं कि आपको कोई भी लड़की। मैं कोई भी किसी भी लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक लड़की की बात कर रहा हूँ।
और वो तुम। शावेस, मेरी जिंदगी में कुछ मसाइल हैं जिन्हें मैं सुलझाना चाहती हूँ, ना कि आपकी जिंदगी के मसाइल बढ़ाना चाहती हूँ। हम दोनों मिलके तुम्हारी जिंदगी के मसाइल सुलझा सकते हैं। तुम बस एक बार, सिर्फ एक बार अपनी मोहब्बत का इजहार तो करके देखो, फिर देखना तुम्हारे जिंदगी की सारी उलझनें किस तरह सुलझती जाती हैं। मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के। ठीक, लेकिन इतना वक्त मत लेना कि कहीं मेरा वक्त ही खत्म हो जाए। किसका वक्त कब खत्म होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारी इस मुलाकात का वक्त खत्म हो गया तो ये बात मैं जानती हूँ। हसाम, हसाम, देखो अगर तुम नहीं रुके ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें यकीन नहीं आता ना कि मैं ये कदम उठा सकती हूं? अंबर, क्या हो गया तुम? पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अंबर, मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझता हूं और कदर भी करता हूं इसकी। मैंने भी तुम्हें चाहा है, छूट के चाहा। देखो, तुम्हारा और मेरा सुकून इसी में कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या मोहब्बत को बुलाना इतना आसान होता है जितना तुम कह रहे हो? कोशिश तो कर सकते। बेगी शामों में भी मुझे तेरी यादें तड़पाए, कुछ खास तो है इन यादों में जो आके भर आए। रहने दो तुमसे ना हुई वफा, सायावे वो जो इस्लामाबाद वाली कंपनी थी उससे तुमने डील फाइनल करवा ली थी? अरे जिस कंपनी से हमें अहमद यार सखेरा साहब ने मिलवाया था उसका पूछ रहा हूं मैं। महाज, महाज। जी जी डैड। अगर तुम्हारा ये रवैया रहा ना तो हमारे बिजनेस में बहुत बुरा असर पड़ेगा। घर की परेशानी घर पे छोड़ के आए थे। I'm sorry, Dad. मैं देख रहा हूं तुम्हारी कारकर्दगी दिन ब दिन कम से कमतर होती जा रही है। हम पहले ही शावेस के मुकाबले में 49-51 के पार्टनर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये कम हो जाए। वहां तुम्हारी मायरा के साथ सर जंग बढ़ती जा रही है। मैं बहुत अपसेट हूं। देखो बेटा, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मायरा के साथ तुम्हारी दूरी हमारे कारोबार के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारी एक ही साख है, एक ही नाम है, हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज। अगर ये दो हो गए ना तो बहुत नुकसान होगा। बेटा, मैं कंपनी की यकजहती चाहता हूं। ठीक है, हमें बहुत से फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता,
लेकिन बेटा वो हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? मैं सोच रही हूँ कि मायरा की बर्थडे इस दफा बहुत धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट करें, आखिर उसकी 21st बर्थडे है, यादगार होनी चाहिए। क्यों नहीं, और इसी तकरीब पे हम मायरा और वहाज की शादी भी अनाउंस कर देंगे। मगर अभी तो मायरा ने बीबी में एडमिशन लिया है, अभी तो वो पढ़ रही है। हाँ तो ठीक है ना, वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है, उसे कौन सा दूसरे घर जाना है। ये तो बाद की बातें हैं, बाद में देखेंगे। अभी मैं बर्थडे की तैयारी के लिए इवेंट मैनेजमेंट वालों के पास जा रही हूँ। आप ऐसे कीजिएगा कि गेस्ट लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Saiyaanve